सभी बातों से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर कितने 50 हो गए, 50 मोहल्ले से, 50 गांव से हो गए, अलग अलग क्षेत्र से हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा। अगर आज इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जज्बात जग जाएगी और अपना सहारा इंडिया पैसा को लेकर आप अपना हक के लिए लड़ सकते हैं और आपका सहारा इंडिया का पूर्ण भुगतान कब तक मिलेगा कहीं ना कहीं आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे कम्युनिकेटर डिफेंसेज को लेकर जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा कि उसमें क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या बातें को रखी गई है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया का पैसा, चाहे वो निवेशक हैं, चाहे वो करकर्ता हैं, वो चाहे सहारा के बड़े क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोग कहीं ना कहीं देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका सहारा इंडिया का जितना भी पैसा फंसा हुआ हो किसके कारण फंसा हुआ है और क्यों नहीं मिल रहा है। मैं भी जल्द से गुड न्यूज़ एक और आने वाला है जल्द से, जब तक दोस्तों ये वीडियो खत्म होंगे दूसरे वीडियो में आप लोग को जरूर से जरूर एक खबर आने वाली है जहां पर चुनाव से पहले ही सहारा इंडिया का भुगतान होने जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में जो चाहे सहारा इंडिया का जितने भी पैसा फंसा सभी निवेशकों का उसका भुगतान का जो कि भाषण जरूर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी डिटेल में जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में सहारा इंडिया के अंदर का बात ही बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्स सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखते हैं कि क्या आपका सहारा इंडिया का पैसा जो चुनाव से पहले मिलने वाला है क्या वो हो सकता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमको सहारा से पैसा लेना है ना, संगठन में हमारा सहारा जो हमारा कमीशन है जमा धन है उसको वापस ले लेना है, तब तक यह काम नहीं हो सकता। और जागरूकता के साथ साथ जो जानकारियां दी गई हर एक दूसरे को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि अभी बोली जा रही है उसको अच्छा सा याद हो जाएगा, लेकिन उनके पास पेपर भी उपलब्ध होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट समाज अभी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे वो हर कार्यकर्ताओं के पास होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा तो समूह अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग जो अभी संगठन खड़ा करेंगे तो कुछ वैसे लोगों को भी आप लोगों के बीच में से ही आगे आना होगा कि जो संगठन का हर कार्य को सही ढंग से कर सके। जब आप सही ढंग से काम कर सकेंगे है ना, तभी आपका संगठन का उद्देश्य पूरा होगा, आपका स्थानीय संगठन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इसलिए पेपर के मामले में और बौद्धिकता के मामले में बहुत सारे अभिकर्ता ऐसे होते हैं जो कि संगठन में जुड़ तो गए लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, है ना। तो उनको करना और बोलना सिखलाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कभी कभी मंच पर आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब आप आइए थोड़ा सा दो बात अपनी रखिए। अरे हम क्या बोलेंगे, हम जो है सब ठीक है। इन सभी बातों से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर कितने 50 लोग हैं, 50 मोहल्ले से, 50 गांव से हो गए, अलग अलग क्षेत्र से हो गए। अपने जमाकर्ताओं को आपको जवाब देना होगा कि हमको कैसे भुगतान लेना, और आपके पास जानकारी नहीं रहेगा तो जमाकर्ता आपके पीछे पड़ जाएगा। जमाकर्ता पीछे ना पड़े, वो मेरा साथी बने और हमारे साथ संस्था से भुगतान लेने के लिए हमारे साथ खड़ा रहे, तभी आपका जो है ना आज यह जो सभा हो रही है, जो संगठन का निर्माण हो रहा है, इसका उद्देश्य पूरा होगा। सर जी बताए कि बहुत सारे जमाकर्ता ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं, उसके लिए आप FIR कर रहे हैं। नहीं, FIR तो करना ही है लेकिन उसको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराना है। वह मेरा साथी बने, वह मेरा साथी बने और मैं उसका साथी बनूं कि संस्था से पैसा कैसे लेना है उसको बतलाना है, और ग्रुप से जोड़ करके जो हमारी संस्थाओं में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जिलों में जो संगठन काम कर रही है उसका आपके ऐप पे व्हाट्सएप पे है ना उसका वीडियो आएगा, उसका जो हम काम करेंगे उसका राइटिंग में आएगा, उसको उससे अवगत कराइए कि देखिए बगल में फलाना जिला में ऐसे काम हो रहा है, वहां जो है भुगतान लेने के लिए वैसे कर रहा है, आप भी मेरे साथ खड़े हुई है, आप भी मेरे ब्रांच सेक्टर ब्रांच में चलिए, मेरे फ्रेंचाइजी में चलिए, मेरे शाखा में चलिए, और वहां जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़ा होंगे आप नहीं बोलेंगे तो भुगतान मिलने में परेशानी होगी। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी करता जैसे सर बोले कि त्याग पत्र नहीं देता है ना,
तब तक क्या होता है वो संसारगामी होता है। जब आप संसारगामी रहेंगे तो प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन वही काम। अब जैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को दिखाया कि सहारा इंडिया के पैसों को लेकर लोग कितना गुस्साए हुए हैं, कितने प्रबंधन काम कर रहे हैं, और सहारा के संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के जो न्याय मोर्चा के अधिकारी हैं लोग हैं, ये कितना लोग अपने प्रयास कर रहे हैं आपको पैसा दिलवाने के लिए। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, भारत वंदे मातरम।